मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में है नगर पंचायत सौरिक की। मुद्दा ये है, सौरिक नगर पंचायत जो है कोई भी काम नहीं हुआ है, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। जहाँ देखो वहाँ कचरा पड़ा रहता है, कोई भी साफ सफाई नहीं। हमारे मुद्दे यही है कि नगर को स्वच्छ बनाए रखें और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक सबसे अहम सवाल ये रहेगा, यहाँ से समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी बीच भी हैं, उसके बाद कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, राहुल गुप्ता जी भी हैं। क्या लगता है आपको कि तौसीफ यूसुफ इन बड़ी पार्टियों बैनर तले जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में, तौसीफ यूसुफ कैसा समर्थन मिल रहा है, कहाँ पर पहुँचे हैं अभी तक? जनता बहुत साथ दे रही है हमारा और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, काफ़ी लोग समर्थन में हैं, खुल के साथ रह रहे हैं हमारे साथ। आप युवा हैं, पहली बार चुनावी मैदान में, इससे पहले आपके पिताजी कांग्रेस से लड़ते थे चुनाव, निर्दलीय अभी थे कांग्रेस में लेकिन निर्दलीय उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद आप भी समाजवादी में कहीं ना कहीं जुड़े रहे पिछले कई वर्षों से, हमने देखा है पिछले कई वर्षों से आप समाजवादी में भी जुड़े रहे, टिकट क्यों नहीं मिली, क्या क्या लगा है आपको, टिकट क्यों नहीं मिली आपको? दावेदारी तो की थी, अब नहीं दी गई, वो पार्टी का निर्णय रहा होगा। हमने दावेदारी की थी और भी लोगों की थी, जिन्हें मिली है अब वो लड़ रहे हैं, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है सौरिक की? सौरिक की जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, खुल के साथ हैं, युवाओं का साथ भरपूर मिल रहा है। कुछ बदला है 5 सालों में आपका नगर पंचायत, पिछले 5 साल का कार्यकाल जो था कुछ बदला? ना कुछ नहीं बदला, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है, ना रोड बने हैं, ना नालियों की सफाई, नाली गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा है चौराहों पर देखिए आप, और कोई भी हमारे ख्याल से कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है। ये बता रहे हैं यहाँ की जो हमारा एग्जिट पोल है, हमारे साथी रिपोर्टर ने लगभग 5-6 ग्राउंड रिपोर्टें भी यहाँ से निकाली, आपकी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से बता रहे हैं, ऐसा सही है या गलत है? क्योंकि इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी के भी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं 11 वार्डों में। नहीं, मेरी किसी प्रत्याशी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो हमारे साथ जनता लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है, ये मेरी किसी प्रत्याशी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर पिछले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और जो मैनपुरी लोकसभा की सांसद हैं डिंपल यादव जी यहाँ पर आई थीं, क्या इससे लगता है कि मुस्लिम मतदाता इस चीज़ से भ्रमित होगा और जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? होगा, जब वो आई थी आप देख लीजिए, सब लोग हमारे साथ रहे थे, कोई भी नहीं गया था, और हमारे साथ लोग कन्वेंशन कर रहे हैं, साथ में हैं, और जो वो आई थी उनके समर्थन में आई थी, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता, क्या हमारे साथ तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में हैं। पर जो यहाँ की विपक्षी पार्टियाँ हैं वो आरोप लगा रही हैं कि तौसीफ यूसुफ सिर्फ 8 वार्ड में पहुँचे हैं 11 वार्डों में, कितना सही है ये? तौसीफ यूसुफ जो हैं 11 के 11 वार्ड में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। ये जो इनके कुछ लोग छुटे हुए हैं, रूमर फैला रहे हैं, ये तो 13 तारीख को सबको पता लग जाएगा तौसीफ 11 वार्ड में कैसा लड़े कैसा नहीं लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उसके जैसे कि यहाँ के जो लोकल के मुद्दे हैं, सड़क, पानी और बिजली, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार रही है पिछले 5 वर्षों में, क्या उन्हें पूर्ण कर पाई है भारतीय जनता पार्टी? नहीं कर पाई है। इससे जनता क्या परिवर्तन चाह रही है यहाँ की कि नहीं चाह रही, क्योंकि आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे होंगे, क्या फंडामेंटल चल रहा है लोगों के दिमाग में, वोटर के दिमाग में किस तरीके के पढ़ रहे हैं, कैसे उन्हें प्रभावित कर पा रहे हैं अपनी ओर? मैं जो हूँ हर तरीके से साथ में हूँ जनता के, जहाँ पे मेरी ज़रूरत हुई है हर तरीके से मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और आने वाली 13 तारीख में अगर जनता ने मुझे चुना तो हर तरीके का विकास जो नगर पंचायत में होना चाहिए, सड़क निर्माण है, साफ सफाई है, पानी की सुविधाएं हैं, और भी काफ़ी कुछ हैं, ये हमारी तरफ से जो है जनता को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो तौसीफ यूसुफ सौरिक की जनता के दिलों तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पे तौसीफ यूसुफ को पहुँचना चाहिए था आज तौसीफ यूसुफ वहीं पे खड़े हुए हैं। यहाँ की जो बेसिक समस्या है सौरिक की, सड़क की, बिजली की, पानी की, और शिक्षा व्यवस्था पे भी हमारे लोगों की नज़र है। यहाँ पे हमारा सौंदर्यीकरण करने का पूरा एक मतलब एक मसौदा तैयार किया हुआ है। लड़ाई किससे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी? नहीं, लड़ाई समाजवादी पार्टी से? नहीं, लड़ाई तो हमारी यहाँ पर सिर्फ मुद्दों की है, लड़ाई हमारी यहाँ पर सिर्फ विकास की है, और हम अपने जनता के साथ सीधे संवाद के साथ जुड़े हुए हैं।
हमारी यहाँ पर लड़ाई किसी से नहीं है, हम सीधे सीधे जनता से जुड़ चुके हैं। और ये जो लड़ाई की बात है, ये 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और 13 तारीख को आपको इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो ये थे तौसीफ यूसुफ साहब जो हमसे सौरिक से एक्सक्लूड हुए थे। सौरिक से लगभग यहाँ पर 12,000 मतदाता इस बार तय करेंगे नगर अध्यक्ष कौन बनेगा। ये तो 13 तारीख को पता लगेगा कि कौन चलते हैं अगली नगर पंचायत।